हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अनीस। आज आप लोगों को ये बतलाएंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे लें। तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का तरीका बहुत ही सरल है और बहुत ही इजी वे में इसे आप खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे लें। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बतलाएंगे कि मेरा वीडियो देखने के पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आप लोगों को हर एक चीज़ टाइम टू टाइम बतलाते रहते हैं। कुछ दिनों से मेरा यूट्यूब वीडियो जो है प्रभावित था, इसके वजह से हम वीडियो नहीं बना रहे थे। और ये जो समय चल रहा है, जो कोरोना जो काल चल रहा है, कोरोना का जो प्रॉब्लम है बहुत ही भयावह प्रॉब्लम है। ऑल कंट्री इससे प्रभावित है। सभी कंट्री में लॉकडाउन हो चुका है। ऐसे इसको हराने का कोई मेडिसिन अभी तक आया नहीं है। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। तो अभी तो ये कोरोना वायरस को हराने का एक ही जरिया है, आप घर पर रहें, ज़रूरी काम काज से बाहर निकलें, मास्क लगा के रहें, कहीं भी बिना काम के बाहर ना जाएं, घर पर रहें, सेफ रहें। क्योंकि इस वायरस का एक ही मेडिसिन है, सतर्कता ही बचाव है। आप साफ सुथरा रहें, कहीं भी बाहर में ना घूमें, बाहर में ना खेलें, जहाँ भी रहें, देहात रहें, शहर में जहाँ भी हों, अपने घर पर रहें, अपने परिवार के बीच रहें। क्योंकि एक ऐसा वायरस है, इसे हर एक व्यक्ति प्रभावित हो ही रहा है। अगर आप सतर्क हैं तो ये बीमारी कुछ नहीं है, सतर्कता ही बचाव है और आपको जागना होगा। तो हम बात कर रहे थे कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे आप लोगों खाना है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही सरल तरीका है खाने का। अब होम्योपैथिक में जो 30 पोटेंसी में होती है, 200 पोटेंसी, 1 mg पोटेंसी, कुछ बायोकेमिक मेडिसिन जो 6-6 रहता है। तो पहले आप ये जान जाए कि 30 पोटेंसी पावर की मेडिसिन आप कैसे लेंगे। जो 30 नंबर की मेडिसिन है उसे 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम खाएं। जो 200 की पोटेंसी है उसे आप 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम खाएं। जो मदर टिंचर है, कुछ जो मदर टिंचर है वो लगाया भी जाता है और खाया भी जाता है। और मदर टिंचर जो भी मेडिसिन है उसे पानी में डाल करके ही खाएं। अब 6-6 जो मेडिसिन है बायोकेमिक, उसे भी आप पानी में डाल के खा सकते हैं। कोई दूध गोली की नहीं, वो खाने का सिम्टम दे करके रह जाता है। कोई 4-4 गोली भी ले सकते हैं, सिम्टम दे करके मेडिसिन को ले जाता है। और कोई भी मेडिसिन अगर आप खाते हैं तो बिना जानकारी के ना खाएं। अगर आप YouTube के माध्यम से उस मेडिसिन को लेते हैं तो नज़दीक के फिजिशियन से जाकर के संपर्क थोड़ा सा कर लें कि मेडिसिन हम लेना चाहते हैं, उसमें क्या है, कैसे है, थोड़ा सा बातचीत जरूर कर लें। और ऐसे तो जैसे कॉमन भी मेडिसिन होम्योपैथिक में, जैसे नक्स घूम, किन्हीं को गैस का प्रॉब्लम है तो 2 बूंद खा लें। आर्निका मेडिसिन है, अगर बच्चा के लिए मेडिसिन है, अगर गिर गया है, अगर चोट लग रहा है, अर्निका खा लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ जो मेडिसिन है बिना जानकारी के आप ना खाएं, क्योंकि मेडिसिन तो मेडिसिन होता है। तो आज हम आप लोगों को ये बताएं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे खाया जाता है। तो मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और आगे भी हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ बताते रहेंगे जो मेरी जानकारी है।